बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मई 2022 से संबंधित बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो कि 2022 में बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है। तो आप यहां से अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया है मंथली करंट अफेयर्स का, साथ में इसका पीडीएफ भी आपको दिया गया था, जैसे कि जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022 और अप्रैल 2022। इससे पहले 2021 वाला भी हमने आपको इसी तरह से प्रोवाइड किया था। 2022 में अब तक जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का आपको दिया जा चुका है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग मई 2022 से संबंधित करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि मुख्य रूप से बिहार करंट अफेयर्स फोकस्ड होगा और ये सारे के सारे जो प्रश्न होंगे ऑल सिलेक्टेड प्रश्न होंगे। यहां पे सभी प्रश्न आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, आप में से बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आपका नाम क्या है, तो हमने यहाँ पे देखिए नाम ऐड कर दिया है। मेरा नाम है संकेत कुमार विश्वास, हमने शॉर्ट में लिखा है संकेत केवी। तो आज के बाद आप लोग नाम नहीं पूछेंगे, आप लोगों को पता हो चुका है मेरा नाम है संकेत कुमार विश्वास। कुमार विश्वास यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसीलिए हमने शॉर्ट में केवी कर दिया है। और रही बात यहाँ पे मई 2022 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो की, तो इसके पीडीएफ फाइल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर के इसके पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बीपीएससी मेकर ऐप पर भी ये उपलब्ध रहेगा, तो वहां से भी जो लोग हमारे पेड मेंबर है वो भी वहां से प्राप्त कर पाएंगे। अब यहां पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न होगा कि मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न है, किसी भी प्रश्न में यहाँ पर आपको नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि सारे के सारे सिलेक्टेड है, तो किसी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो मई 2022 में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य कैबिनेट में कौन सी पॉलिसी को मंजूरी दी गई, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 को। अभी हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में जो अभी हाल ही में आयोजित हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, तो अभी हाल ही में टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी को मंजूरी दिया गया है। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें निकलकर सामने आती है, उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपको बता दूं कि इसके तहत टेक्सटाइल और चमड़े के बनने वाले सामान के निर्माण में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ रुपए तक का अनुदान राशि मिलेगा। यानी कि जो भी कंपनी यहाँ पर बिहार में निवेश करेगी टेक्सटाइल और चमड़े के व्यापार के लिए, खास करके जिससे मतलब कह सकते हैं प्रोडक्ट का निर्माण होगा, तो ऐसे में बिहार सरकार 10 करोड़ रुपए तक कह सकते हैं एक अनुदान राशि के तौर पर सहायता प्रदान करेगी बिहार सरकार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी 2022 के तहत। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, जो कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री कौन है, तो सैयद शाहनवाज हुसैन वर्तमान में बिहार के उद्योग मंत्री हैं। अब यहाँ पे हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में बिहार के 2 जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की घोषणा की गई है। ये 2 जिलों का नाम ध्यान रखिए, नवादा और कैमूर, ये 2 जिले हैं। हालांकि बिहार का जो सबसे पहला सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये बिहार के दरभंगा में लगाया गया है। ये जानकारी हमने आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज के तहत दिया था। हालांकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो डेली करंट अफेयर्स वाला बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज चलता है चैनल पर, वहां पर ये सारे प्रश्नों को सम्मिलित तौर पर आपको बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में सभी को सम्मिलित एक जगह किया गया है, तो ऐसे में ये वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दूं कि दरभंगा में बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये यहाँ से ध्यान रखिए। दरभंगा के बारे में और भी कई सारे फैक्ट हैं जो आप यहाँ पर आप जानने वाले हैं, हालांकि यहाँ पर उससे पहले हम जानकारी देंगे इसके बारे में, जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित होगा नवादा और कैमूर में, तो इसके तहत फुलवरिया नवादा में और दुर्गावती डैम कैमूर में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने की घोषणा की गई है। आगे हमने ये लिखा कि दोनों जगहों पर क्रमशः 20 मेगावाट और 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा, यानी कि इन दोनों जगहों पर नवादा और कैमूर में कह सकते हैं नवादा में 20 मेगावाट और कह सकते हैं कैमूर में 30 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा। बात यह दरभंगा की, तो दरभंगा के बारे में हमने आपको कई जानकारी दिया था कि बिहार का दूसरा तारामंडल का जो निर्माण हो रहा है यह दरभंगा में हो रहा है, जबकि पहला तारामंडल पटना में है, राजधानी पटना में। एजुकेशन हब की बात किया जाए तो एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी जिसमें मैंने आपको यह जानकारी दिया था कि पटना के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब है बिहार में दरभंगा जिला, ये जानकारी भी आप लोग नोट कीजिए। हालांकि और भी कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि दरभंगा एयरपोर्ट हो गया, इसकी स्थापना मतलब कह सकते हैं उड़ान सेवा की शुरुआत यहां से कब हुई थी, रीजनल
सिग्नल कनेक्टिविटी के तहत यहाँ पर दरभंगा में कह सकते हैं एयरपोर्ट की शुरुआत हुई थी, जो कि यहाँ से जो उड़ान सेवा का जो कह सकते हैं परिचालन हुआ था, ये 20 नवंबर नहीं बल्कि 8 नवंबर 2020 को यहाँ से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। और भी तमाम कई ऐसे प्रश्न हैं जो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। हालांकि बिहार करंट अफेयर्स का जो वीडियो चैनल पर रेगुलर आता है उसे अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बखूबी याद होगा। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये तीसरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि किस राज्य की बिजली कंपनी ने हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए करार किया है या फिर समझौता किया है। प्रश्न पूछा गया है कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए किस राज्य की बिजली कंपनी ने समझौता किया है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ये होगा बिहार सरकार या फिर कह सकते हैं बिहार राज्य की एक बिजली कंपनी है जिसके द्वारा कह सकते हैं ये समझौता हुआ 200 मेगावाट सौर ऊर्जा विद्युत क्रय के लिए। आपको यहाँ पर विस्तृत जानकारी दे दूं कि यह समझौता बिहार स्टेट पावर होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड अर्थात BSPHCL की नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ हुआ है। तो यहाँ से ये जान के नॉर्थ और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ है और ये समझौता क्या है यहाँ पर आप जान चुके हैं। आगे हमने यहाँ पर ये लिखा कि जिसके तहत बांका में 75 मेगावाट और जमुई में 125 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। इस समझौता के तहत यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये आपके BPSC प्री मेंस या फिर कह सकते हैं इंटरव्यू तक आपकी मदद कर सकता है। आपको ध्यान रखना है इसके तहत इस समझौते के तहत बांका में 75 मेगावाट और जमुई में 125 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जाएगी। और एक प्रश्न यहाँ पर आपके बनेंगे एग्जाम में कि वर्तमान में बिहार के ऊर्जा मंत्री कौन है, तो बिजेंद्र यादव वर्तमान में बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारे तथ्यों को याद रखेंगे। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। यहाँ पे मे शब्द छूट गया है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला IED मॉडल रूम का निर्माण किया गया है। अब ये IED मॉडल रूम क्या है उससे पहले हम लोग जानेंगे इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है। तो ध्यान रखें इसका निर्माण अभी हाल ही में गया में किया गया है। आपको जानकारी यहाँ पर दे दूं कि IED का पूरा नाम होता है इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे ये कार्य करता है, कौन इसका इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम चीजें आप यहां पर जान पाएंगे। दरअसल आतंकवादियों द्वारा IED ब्लास्ट के जरिए हमलों को अंजाम दिया जाता है। मुख्य रूप से हम बात करें बड़े पैमाने पर जो हमला किया जाता है, आप जो यहां पर इस इमेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो आतंकवादी गतिविधियों में IED ब्लास्ट का सहारा लिया जाता है। IED जो भी होता है एक तरह का बम ही होता है और इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें घातक आग लगाने वाले और धुआं छोड़ने वाले केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक कह सकते हैं बम का ही एक विस्तृत रूप है, बड़ा रूप है, जो कि आप यहाँ पर जान चुके हैं। ठीक है, तो ये जानकारी यहाँ से जान के इसका अध्ययन के लिए अभी हाल ही में मॉडल IED रूम का जो कह सकते हैं निर्माण किया गया, ये बिहार के गया जिले में किया गया है। तो ये संबंधित जानकारी यहाँ से आप लोग नोट कीजिए। हम चल रहे हैं आज के पांचवें प्रश्न पे। तो आज का यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में जारी केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार बिहार असंगठित क्षेत्र के कामगारों के राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में देश में किस स्थान पर है। हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न में हम स्टार दे रहे हैं आपको, स्टार इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि ये आंकड़ा हो सकता है कि बदल भी जाए, बदलता रहता है। तो ऐसे में नवीनतम आंकड़ों के आधार पर हम बात करें, जो नवीनतम रिपोर्ट है इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार इस मामले में यानी कि राष्ट्रीय श्रम पोर्टल या कह सकते हैं राष्ट्रीय श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार जो है ये दूसरे स्थान पर है। वहीं पे हम पहले स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। हालांकि यहाँ पर कुछ जानकारी है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं कि राज्य के सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के मामले में बिहार देश भर में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है। और एक जानकारी यहाँ पर यह देने के राष्ट्रीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल शुरू किया गया था। ई श्रम पोर्टल जो है ये कह सकते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार करने का एक पहल है भारत सरकार का, जिसकी शुरुआत जो हुई थी ये 26 अगस्त 2021 को किया गया है। अगर हम बात करें 2021 के अगस्त का महीना यहाँ पे आया है तो 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया है। तो ऐसे में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। पूरे भारत के भिन्न भिन्न कोनों में बहुत सारे आयोजन हुए हैं। हमने डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रश्न बताए हैं, क्या क्या मतलब कर सकते हैं समारोह आयोजित हुआ, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आई, तमाम चीज़ों की जानकारी हमने आपको विस्तृत तौर पर वहाँ दिया था। हम यहाँ पर चलेंगे आगे और इससे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के मटेरियल है या फिर जो भी हमारे करंट अफेयर्स के PDF है, नोट्स हैं या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, बिहार GK हैं,
जो भी हमारे कोर्स वगैरह हैं सभी को आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और रही बात यहाँ पे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के तहत आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर दो पैकेज ऑप्शन मिलेगा, दोनों में से किसी को भी आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए फायदा यह है कि जितने दिनों का आपका प्लान होगा, मान के चलिए अभी हाल ही में बीपीएससी एग्जाम आयोजित होगा 67वीं वाला, तो ऐसे में अगर यहाँ पर 1 साल वाला करंट अफेयर्स का कोर्स परचेज करते हैं तो ऐसे में आपका जिस दिन आप कोर्स को परचेज करेंगे तब से 1 वर्ष की वैलिडिटी के लिए आपको यह मिलेगा। और साथ ही साथ जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उससे प्रीवियस 1 ईयर का आपको यहाँ पर कंटेंट मिल जाएगा, यानी कि 1 ईयर पहले का और 1 ईयर बाद का यहाँ पर आपको मटेरियल मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होगा, जो खास करके अभी हाल ही के दिनों में बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे कि 67वीं बीपीएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, तो ऐसे में ये सारे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। हमारे करंट अफेयर्स की क्वालिटी को आप यहाँ पर देख सकते हैं और डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो को देखिए, वहां से समझ में आएगा क्या आपको इसे परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। हम चलेंगे आज की इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को भी हाल ही में ग्रीन स्टेशन की रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है। आपको जानकर दे दूं कि ग्रीन रेटिंग पर्यावरण, जल और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से दी जाती है, जो कि अभी हाल ही में 2022 में ये रेटिंग से सम्मानित किया गया, यानी गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। ठीक है, ये जानकारी यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर हमारा अगला है 7वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जारी केंद्रीय शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में या फिर खर्च करने में बिहार किस स्थान पर है। एक कंडीशन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रफल और आबादी को ध्यान रखते हुए हम बात करें तो भाषा की पढ़ाई पर खर्च करने के मामले में बिहार का जो स्थान है ये पहला स्थान है, बिहार इस मामले में पहले स्थान पर है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में भारत सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था, तो इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो बिहार इस मामले में पहले स्थान पर है। कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे, जैसे कि हम बात करें इस रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अपने राजस्व बजट का 1.66% यानी कि 1.66% भाषा विषय की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। जितना भी राजस्व बजट होता है बिहार सरकार का, उनमें से 1.66% जो है ये भाषा विषय की पढ़ाई पर खर्च किया जा रहा है, और इसके तहत बिहार सबसे ज्यादा खर्च संस्कृत पर कर रहा है। यहाँ पर देखिए तहज नहीं बल्कि तहत होना चाहिए, तो इसके तहत बिहार सबसे ज्यादा खर्च जो कर रहा है ये संस्कृत भाषा की पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। वहीं पर राष्ट्रीय स्तर की हम बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर बजट का सिर्फ 0.41% भाषा विषय की पढ़ाई में खर्च किया जा रहा है, जबकि बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो इस आंकड़े को यहां से आपको ध्यान रखना, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर हमने यहां पर इसे ऐड किया है, जो कि अभी हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था। आई होप कि आप ये सारे पॉइंट को यहां से याद रखेंगे, ये आंकड़े वाले प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न हमारा यह है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का यानी कि बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाए जाने की घोषणा की गई है। अब ये डॉपलर रडार क्या होता है, इसका क्या इस्तेमाल है, हम लोग तमाम चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले बता दूँ, इसे लगाने की घोषणा अभी हाल ही में हुई है और ये बिहार के पूर्णिया जिला में लगाया जाएगा, जो कि बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम होगा। आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूँ कि इससे सीमांचल सहित राज्य में यानी कि बिहार में मौसम संबंधी गतिविधियों को लेकर सटीक जानकारी मिलेगी, यानी कि यहाँ से ये ध्यान रखें कि मौसम संबंधी गतिविधियों की जाँच का एक कह सकते हैं एक सिस्टम है या फिर एक उपकरण है। मौसम संबंधी गतिविधि की जानकारी यहां से डॉपलर रडार सिस्टम से लिया जा सकता है। डॉपलर रडार सिस्टम को आप यहां पर इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहां पर अगले पॉइंट में हम बात करें तो साथ ही पूर्णिया में दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम स्थापित होने से बंगाल की खाड़ी के समीप होने वाले मौसम गतिविधियों के बारे में मौसम विज्ञान केंद्र पटना को सटीक जानकारी मिलेगी। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार का जो पहला डॉपलर रडार सिस्टम स्थापित है ये राजधानी पटना में स्थापित है, लेकिन बिहार के पूर्णिया में जो स्थापित हो रहा है या फिर होगा ऐसी घोषणा हुई है, तो ये बिहार का दूसरा डॉपलर रडार सिस्टम होगा। दरअसल यहां पर बात करें बंगाल की खाड़ी की, तो बंगाल की खाड़ी से सीमांचल क्षेत्र में आए दिन नहीं बल्कि मतलब हर वर्ष यहां पर प्रकोप देखने को मिलता है, तो ऐसे में मौसम संबंधी गतिविधियों की जानकारी के लिए सीमांचल क्षेत्र में कोई भी कर सकते हैं रडार सिस्टम स्थापित नहीं था, अभी हाल ही में यह घोषणा हुई, तो ऐसे में यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी बिहार के लिए, बिहार सरकार के, बिहार के जनताओं के लिए कि मौसम संबंधी गतिविधियां सटीक तौर पर मिल पाएगी। और रडार सिस्टम स्थापित होने से चक्रवाती तूफान और बारिश की गतिविधियों की भी सही जानकारी मिलती रहेगी, जो कि जानकारी
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के साथ साझा होगी और ऐसे में मीडिया के माध्यम से ये तमाम क्षेत्रों में फैलेगी और किसान को भी ये बहुत लाभदायक सिद्ध होगा किसान के लिए, क्योंकि मौसम संबंधी गतिविधियां जो किसान के लिए कर सकते हैं हानिकारक सिद्ध होता, बेमौसम बरसात होती है, बेमौसम तूफान आता, तो ऐसे में फसल को भी क्षति पहुँचती है। तो मौसम संबंधी गतिविधियाँ जब मिलने लगेगी तो कह सकते हैं बिहार राज्य अपनी प्रगति की सीमा पर और भी आगे बढ़ते चलेगा। तो ऐसे में बिहार के लिए बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं उपलब्धि हासिल हुई है। तो ये जानकारी यहाँ से जाने की। अगला होगा यहाँ पर हमारा नवा प्रश्न। ये नवा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा 27 हो गई है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे शिशु मृत्यु दर आखिर होता क्या है, इसे आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले इसे गौर से सुनिएगा। शिशु मृत्यु दर उसे हम लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि प्रत्येक 1000 बच्चों का जन्म हो रहा है, 1000 बच्चों में जितने बच्चों की मौत हो रही है उसे ही यानी कि उसी आंकड़े को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहकर संबोधित करते हैं। मान लीजिए 1000 बच्चों में 27 बच्चों का मौत हो रहा है, तो वही 27 जो संख्या है वो शिशु मृत्यु दर हुआ। तो ऐसे में यहाँ से ये ध्यान रखें, आई होप कि आप समझ चुके हैं कि बिहार में शिशु मृत्यु दर जो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर जांची गई है ये 27 है। दरअसल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वर्ष 2020 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर घटकर अब 27 हो गई थी, जबकि शिशु मृत्यु दर के इस आंकड़े को सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम वर्ष 2020 के आंकड़ों के आधार पर देखें तो भारत में यह दर घटकर 28 हो गई। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें कमी आई है, लेकिन फिर भी बिहार में जो कह सकते हैं ये एक अंक पीछे है, यानी कि शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय मुकाबले में एक अंक कम है बिहार में। तो ये यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि राष्ट्रीय दर से तुलना किया जाए बिहार के शिशु मृत्यु दर की तो कितना कम है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए, एक कम है, राष्ट्रीय स्तर पर ये मृत्यु दर 28 है, वहीं पे बिहार की बात करें तो बिहार में ये 27 है। हालांकि डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में हमने और भी राज्यों की चर्चा किया था, कौन राज्य इसमें पहले स्थान पर है, कौन अंतिम स्थान पर है, तो रेगुलर वीडियो देखेंगे या फिर पीडीएफ में हमने वो चीज़ें डाल दी है, वहां से आप उसे देख सकते हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर नवा प्रश्न, दसवां प्रश्न। ये दसवां प्रश्न हमारा ये कि हाल ही में बढ़ता बिहार उधम बिहार उद्यमियों के लिए किस एजेंसी ने राज्य के एमएसएमई को सहायता प्रदान की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नाबार्ड और शिडबी के द्वारा भी हाल ही में कह सकते हैं ये सहायता प्रदान की गई है। इस सहायता के तौर पर कुछ राशि प्रदान की गई है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके तहत नाबार्ड ने 9,836 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है और साथ ही शिडबी ने 2400 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। आपको ध्यान रखें ये बढ़ता बिहार उधम बिहार उद्यमियों के लिए कह सकते हैं इन दोनों एजेंसियों को सहायता राशि प्रदान की गई है। तो ध्यान रखें नाबार्ड और शिडबी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये 11 प्रश्न है कि हाल ही में आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को कितनी जिलों में विस्तारित किया जाएगा। तो आयुष्मान भारत के तहत बिहार राज्य में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रमों को नवीनतम घोषणा के आधार पर 9 जिलों में विस्तारित किया जाएगा। राइट आंसर होगा 9 जिले। अब ये 9 जिले कौन कौन से हैं वो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये 9 जिले हैं अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, नालंदा और शेखपुरा। साथ ही यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे कि 1 अप्रैल 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। इस तिथि को आप लोग नोट कर लीजिए, इसकी शुरुआत हुई थी आयुष्मान भारत योजना की 1 अप्रैल 2018 को। अब यहाँ पर जिन जिलों का नाम लिखा गया है इनसे संबंधित कुछ बेसिक सी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप लोग से ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बिहार में एक स्थान है औराही हिंगना, आपको ध्यान रखना बिहार में एक स्थान है औराही हिंगना और ये कहाँ पर आता है तो बिहार के अररिया जिले के अंतर्गत आता है औराही हिंगना। यहीं पर कह सकते हैं बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था औराही हिंगना में और यहाँ पर बिहार का पहला मंकी पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ बिहार के अररिया जिले के रानीगंज में बिहार का दूसरा चिड़ियाघर के निर्माण की घोषणा की गई है। और साथ ही एक पॉइंट हमने आपको ये भी बताया था कि बिहार का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि पहला जैव विविधता पार्क है ये बिहार के अररिया जिले के कुशियार गांव में है, ये ध्यान रखें। जबकि यहाँ पे हमने बात करें बांका जिले की और साथ साथ नालंदा की, तो आपको बता दूं कि बिहार का जो पहला रोपवे है बिहार का पहला रोपवे नालंदा जिले के राजगीर में है, जबकि दूसरा रोपवे बिहार के कह सकते हैं बांका जिले के मंदार में है। ये भी यहां से आप लोग ध्यान रखें बिहार का दूसरा रोपवे बांका जिले के मंदार में है। बांका की बात आई है तो बांका बिहार के भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है, भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और भागलपुर की बात आई है तो एक जानकारी यहां से ये ध्यान रखिए, भागलपुर बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है जिसके अंतर्गत 2 जिले हैं, एक तो है भागलपुर दूसरा है बांका, ये यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे। मुजफ्फरपुर बात करें तो मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण हुआ है और भी कई सारी जानकारी यहां पर संबंधित जिलों से, हालांकि हमने यहां पर आपको समय समय पर दिया है। अगला होगा हमारा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न यहां पर हमारा यह कि निम्नलिखित में से किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप लॉन्च हुआ है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा भोजपुरी का पहला ओटीटी ऐप अभी हाल ही में चौपाल नाम से लॉन्च हुआ है।
यहाँ पर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि ओटीटी का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओटीटी की हम बात करें तो ओटीटी को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओटीटी का पूरा नाम होता है ओवर द टॉप, यहाँ से ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें तो एक वीडियो शेयरिंग माध्यम है जिसके माध्यम से आप टेलीविजन शो, फिल्म कंटेंट या फिर कह सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह, लाइव शो वगैरह यहाँ पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, जैसे कि लाइव मैच हो गया। ये तमाम सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो आई होप कि आप यहाँ पर ओटीटी का अर्थ समझ चुके हैं। अब यहाँ पर बात करें चौपाल ओटीटी ऐप की, तो इसकी शुरुआत भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की वेब सीरीज परपंच से हुई है। अगर भोजपुरी सिनेमा की बात रही है तो कई सारे फैक्ट आपके एग्जाम में बनेंगे कि भोजपुरी पहली भोजपुरी फिल्म की बात करें तो गंगा मैया तो ये पिहरी चढ़े वो, ये भोजपुरी की पहली फिल्म थी, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इस फिल्म के लिए 1,50,000 का बजट तय किया गया था। 1963 में भोजपुरी की पहली फिल्म रिलीज हुई थी और उस दौर में इस फिल्म ने 80 लाख का कारोबार किया था। यानी कि भोजपुरी की जो पहली फिल्म है रिलीज हुई थी ये 1963 में रिलीज हुई थी। इसका नाम था गंगा मैया तो ये पियरी चढ़े वो, ये इसका राइट आंसर होगा। पहली फिल्म थी हे गंगा मैया तो ये पियरी चढ़े वो। ये सारी चीज़ों को यहाँ से नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम बात करें भारत की पहली फिल्म की, तो भारत की जो पहली फिल्म थी ये थी राजा हरिश्चंद्र। जबकि भारत की पहली बोलती फिल्म की बात करें, मूक जो फिल्म थी ये थी राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म की बात किया जाए तो आलम आरा बिहार की पहली, बिहार नहीं बल्कि भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 13वां प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी यहाँ पर ये दे दूँ कि जो लोग घर बैठे 67वीं PSC एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो ऐसे में हमारे कोर्स के तहत आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस कोर्स के तहत आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा 67वीं PSC एग्जाम के लिए, जो कि 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा विथ एक्सप्लेनेशन। ये ऑनलाइन मोड में होगा और साथ साथ आपको इसका PDF फाइल भी आपको दिया जाएगा। तो दोनों माध्यम में आप यहाँ पर अपनी तैयारी का सही तरीके से आकलन कर पाएंगे और ये आप जान पाएंगे कि आगामी एग्जाम को देखते हुए आप कितने प्रिपेयर हैं। ये उच्च क्वालिटी का टेस्ट सीरीज है, इसे दीजिए और ये अपनी तैयारी का आकलन आप खुद से कर सकते हैं। और यहाँ पर इस कोर्स के तहत आपको लगभग 2 वर्ष का करंट अफेयर्स मिल जाएगा, जिसमें कि बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होंगे और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण इसमें होगा। बिहार जीके का 2 वॉल्यूम में आपको नोट्स मिलेगा जो कि उच्च क्वालिटी का होगा, जिसके माध्यम से आप बेहतर रूप से तैयारी करेंगे। और साथ साथ BPSC प्रारंभिक परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर होगा, सभी सेट यहाँ पर आपको ऑनलाइन और PDF दोनों मोड में मिल जाएगा। और भी कई सारे SHD मटेरियल है, कई सारे नोट्स है जो कि डेली बेसिस पर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आप BPSC मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर मेंबरशिप लेने के बाद तमाम चीज़ों का आप एक्सेस कर पाएंगे। ऑलरेडी बहुत सारे लोग से ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये अगला प्रश्न हमारा ये कि हाल ही में ब्राजील में आयोजित 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिंपिक्स 2021 की बैडमिंटन प्रतियोगिता में हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। 24वीं ग्रीष्मकालीन डेफलिंपिक्स 2021 जो भी हाल ही में ब्राजील में आयोजित हुआ, यहाँ पर हाजीपुर बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो राइट आंसर होगा ऋतिक आनंद ने अभी हाल ही में इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। आप यहाँ पर ऋतिक आनंद को इस इमेज में देख सकते हैं। कई सारी जानकारी यहाँ से आपके एग्जाम में बनेंगे। दरअसल यहाँ पर ऋतिक आनंद की बात करें तो ऋतिक आनंद ने इससे पहले यूथ वर्ल्ड डीप बैडमिंटनशिप 2019 में सिल्वर मेडल हासिल किया था। ये जानकारी ध्यान रखिए, 2019 में वर्ल्ड डीप बैडमिंटनशिप 2019 में सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया था। ओलंपिक के प्रकार की बात करें तो बहुत सारे लोग यहाँ से कन्फ्यूज होते हैं कितने प्रकार के ओलंपिक होते हैं, ये जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है। दरअसल 3 तरह के ओलंपिक का आयोजन होता है। एक तो होता है सामान्य ओलंपिक, और दूसरा होता है पैरालंपिक जिसमें कि दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, और तीसरा ओलंपिक होता है डेफ ओलंपिक जिसमें कि 9 सुन सकने वाले और साथ साथ 9 बोल सकने वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। यही होता है डेफ ओलंपिक, जो कि अभी हाल ही में इसका 24वां संस्करण ब्राजील में आयोजित हुआ था, जिसमें कि हाजीपुर बिहार के खिलाड़ी ऋतिक आनंद ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। हाजीपुर की बात है तो हाजीपुर बिहार में कोई जिला नहीं है बल्कि बिहार का एक शहर है। हाजीपुर की बात करें तो ये बिहार के वैशाली जिले के अंतर्गत आता है। वैशाली जिला का जो हेडक्वार्टर है ये हाजीपुर है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में चंपारण सत्याग्रह के नायक राजकुमार शुक्ल की 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई, बताएं कि उनका जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था। यहाँ पर इस प्रश्न में करंट अफेयर्स भी शामिल है और आपका बिहार जीके भी शामिल है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आधे प्रश्नों को आप जब देखेंगे तो यहाँ पर आप एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि करंट अफेयर्स का एक प्रश्न है। दरअसल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इस वर्ष 2022 में राजकुमार शुक्ल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो 93वीं पुण्यतिथि मनाई गई। जबकि बिहार के अंतर्गत कई बार कह सकते मोस्ट बार ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि जो कह सकते हैं राजकुमार शुक्ल है ये बिहार के किस जिले से संबंधित है और ये किस गांव में इनका जन्म हुआ है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, जब आप प्रीवियस वर्षों के प्रश्न बैंक को देखते होंगे तो वहां पर आपको ये दिखता होगा। दरअसल यहाँ पे हम इसके प्रश्न की राइट आंसर की बात करें तो मुरली भरावा गांव में इनका जन्म हुआ था। राइट आंसर होगा मुरली भरावा। यहाँ से कई सारे फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में बनेंगे। तमाम चीजों को यहाँ पर हमने विस्तृत तौर पर लिख दिया है।
तो चंपारण सत्याग्रह के नायक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित राजकुमार शुक्ल की हाल ही में 20 मई 2022 को 93 पुण्यतिथि मनाई गई है। 20 मई 2022 को इनकी 93 पुण्यतिथि यानी कि 93rd पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई है। दरअसल कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो इस अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को चंपारण की स्थिति के बारे में बताया था और उन्हें बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। और यही चंपारण से ही गांधी जी ने अपने सत्य और अहिंसा की लड़ाई को, कह सकते हैं, शुरू किया था। ये इनके जीवन का पहला सत्याग्रह था जो कि आपको ध्यान रखना, चंपारण सत्याग्रह। अब यहाँ पे बात करें हम राजकुमार शुक्ल की, तो उनका जन्म 23 अगस्त 1875 को पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरहवा गाँव में हुआ था तथा उनकी मृत्यु 20 मई 1929 को हुई थी। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, 20 मई 1929 को उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद अगला होगा 15वां प्रश्न। ये 15वां प्रश्न है कि ग्रामीण शासन प्रणाली में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए किस राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का निर्माण किया जाएगा, ऐसी घोषणा अभी हाल ही में की गई है। राइट आंसर होगा बिहार सरकार के द्वारा ये घोषणा हुई है, जहां पर आपको ध्यान रखना है सभी ग्राम पंचायतों की अपनी अपनी वेबसाइट होगी जिसके माध्यम से जो ग्रामीण शासन प्रणाली होता है उसे सुचारू रूप से चलाने का एक प्रयास है, जिसके माध्यम से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार सरकार की एक पहल है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है बिहार। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार में वर्तमान में बात करें पंचायती राज मंत्री की, तो सम्राट चौधरी वर्तमान में बिहार पंचायती राज मंत्री हैं। और साथ साथ यहाँ पे हम पंचायतों की बात करें बिहार में, तो कई सारी जानकारी आपको यहाँ से आंकड़े वाले याद रखने हैं। दरअसल वर्ष 2020 से पहले बिहार में 8471 पंचायतें थी, लेकिन वर्ष 2020 के अंत में बिहार के कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में उत्क्रमित किया गया, यानी कि तब्दील किया गया। तो नए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल पंचायतों की जो संख्या है अब ये 8387 है। तो यहाँ से आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको नोट कर लेना है, आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको कंफ्यूज कराने के लिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि 2020 के अंत में कई ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत में तब्दील किया गया था, ऐसे में यहाँ पर ये 8471 से घटकर 8387 रह गई। तो यही वर्तमान में बिहार में, कह सकते हैं, पंचायतों की संख्या है। और यहाँ जो आप साइड में इस इमेज में देख रहे हैं, ये वर्ष 2021 के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का एक, कह सकते हैं, संग्रह है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर हमने चीजों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर संपूर्ण विश्लेषण आपको मिलेगा। इसमें नंबर ऑफ पेज की बात करें तो 169 पेज है इस पीडीएफ में, और प्रश्नों की संख्या बात करें तो 1000 से अधिक प्रश्न आपको मिलेंगे विस्तार पूर्वक, और ये फिलहाल हिंदी भाषा में उपलब्ध है। बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2021 के सारे प्रश्नों का इसमें संकलन है। अगला होगा हमारा 16वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर संतोष कुमार को भी हाल ही में 2022 में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि प्राकृतिक आपदा में उत्कृष्ट योगदान के लिए पूर्वी चंपारण जिले के झिटकहिया ग्राम निवासी समाजसेवी संतोष कुमार को बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। सम्मान वाले जो प्रश्न होते हैं कई बार ये भी आपके एग्जाम में बनते हैं, तो जो भी बिहारियों को सम्मान दिया जाता है ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ध्यान रखें, संतोष कुमार को भी हाल ही में बिहार आपदा फरिश्ता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया, और ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। अगला है 17वां प्रश्न की हाल ही में पटना एयरपोर्ट से किस नई विमानन कंपनी के विमान का परिचालन शुरू किया गया है। दरअसल इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर का फ्लाइविक एयरलाइंस। कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। यहां पर हम बात करेंगे पटना एयरपोर्ट की, पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना एयरपोर्ट को हम लोग कहते हैं। पटना एयरपोर्ट पर इससे पहले जो सेवा थी, यानी कि फ्लाइविक एयरलाइंस की जो भी हाल ही में शुरुआत हुई थी, लेकिन इससे पहले एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एयर और विस्तारा विमानन कंपनी की सेवा दी जा रही थी। ये तमाम चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला होगा हमारा 18वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारे यहाँ पर यह है कि बिहार के किस जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए के DPR को सरकार की मंजूरी मिल गई है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर जंक्शन। मुजफ्फरपुर जंक्शन के, कह सकते हैं, मुजफ्फरपुर जंक्शन को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में एक पहल है, जिसको लेकर अभी हाल ही में 400 करोड़ रुपए के DPR को भी हाल ही में भारत सरकार ने मंजूर दिया है। ये जानकारी यहाँ पर आगे देखेंगे, और साथ साथ यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को ऐड किया है। आपको जानकारी दे दूँ कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा जारी एक रिपोर्ट के आधार पर मुजफ्फरपुर जंक्शन 1.77 करोड़ रुपये की सालाना कमाई के साथ 11वें स्थान पर रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी रेलवे का जितना भी कमाई होता है वर्ष के दौरान, वित्त वर्ष के दौरान, तमाम वो आंकड़ा जारी किया जाता है। ऐसे में मुजफ्फरपुर रेलवे की बात करें तो पूरे भारत में मुजफ्फरपुर रेलवे को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं पर पहले स्थान की बात करें तो 2400 करोड़ रुपए की कमाई के साथ नई दिल्ली पहले स्थान पर है।
पटना जंक्शन की बात करें तो 4.36 करोड़ रुपये के साथ पटना कह सकते हैं 9वें स्थान पर है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। बात करें मुजफ्फरपुर की, तो हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये यहाँ से नोट कर लीजिए। अगला होगा हमारा 19वां प्रश्न। ये 19वां प्रश्न के हाल ही में सुनंदिनी कार्यक्रम को किस चालू वित्त वर्ष तक विस्तारित किया गया है। सुनंदिनी कार्यक्रम यहाँ पर चर्चे में है, आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कि बिहार सरकार की किस योजना से संबंधित है ये कार्यक्रम, तो आंगनबाड़ी से संबंधित है और यहाँ पर चालू वित्त वर्ष तक विस्तारित किया गया है 2022-23 के लिए। यही अभी हाल ही का करंट अफेयर्स है। आपको जानकारी दे दूं कि बिहार, भारत में बिहार पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम पहल शुरू किया है, जिसके तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। एक तरह से कह सकते हैं आंगनबाड़ी कर्मियों को कह सकते हैं शिक्षित करने के लिए बेहतर तरीके से, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में डिप्लोमा डिग्री देने के लिए ये बिहार सरकार की एक पहल है सुनंदिनी कार्यक्रम, जिसको भी हाल ही में विस्तारित करते हुए वित्त वर्ष 2022 तक इसे विस्तार कर दिया गया है। अगला होगा 20वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है। ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है, जो भी हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया, इस रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें तो बिहार सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य है राज्यों की श्रेणी में पूरे भारत में। आपको यहाँ से कुछ चीजें याद रखना है, जैसे कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया, जो आंकड़े जारी किए गए, इसमें बिहार में वर्ष 21-22 में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम का उत्पादन हुआ है। ये आंकड़ों को यहां से याद रखेंगे, 28,000 टन से ज्यादा मशरूम का उत्पादन बिहार में हुआ है। और इस प्रकार से हम देखें तो बिहार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। वर्तमान समय की बात करें तो भारत के कुल मशरूम उत्पादन में बिहार का योगदान 10% है। हालांकि ये आंकड़े बदलते रहते हैं, तो यहां से ये प्रश्न को आप लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन जो नवीनतम रिपोर्ट आया है अभी हाल ही में, ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा आया था, जिसमें यह जिक्र किया गया कि सबसे अधिक मशरूम का जो उत्पादन होता है यह बिहार में होता है और ये पूरे भारत के मशरूम उत्पादन में 10% योगदान देता है। अगला होगा हमारा 21वां प्रश्न। ये 21वां प्रश्न है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया, इंपॉर्टेंट ये है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आया था, जिस वजह से बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया था। तो इस तूफान का नाम, इस तरह के कई सारे प्रश्न हमने देखा कि बार बार रिपीट हुए हैं, इस तूफान का नाम था असानी। आप ध्यान रखेंगे इस तूफान का नाम था असानी। आपको जानकर दे दूं कि यह तूफान जो था बंगाल की खाड़ी में आया था। आप लोग यहां से यह ध्यान रखेंगे, यह तूफान बंगाल की खाड़ी में आया था। वर्तमान में बिहार मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक कुमार सिन्हा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कई सारे प्रश्न हैं, पिछले वर्ष भी हमने आपके साथ साझा किया था, बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिया था कि जो तूफान होते हैं चक्रवाती तूफान, ऐसे में बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो ऐसे में इस तूफान का नाम ध्यान रखिए आसानी, इस तूफान का नाम है मई 2022 में, ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला होगा हमारा 22वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। तो अभी हाल ही में जो इसका निर्माण हुआ है, आपको ध्यान रखना, ये पटना जिले में किया गया, 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग करके इसका निर्माण पटना में हुआ है। आपको जानकारी दे दूं कि राजधानी पटना में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले इस्कॉन मंदिर को 100 करोड़ की लागत से बनाया गया। इस मंदिर को कह सकते हैं इस्कॉन मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण हुआ ये 2 एकड़ परिसर में हुआ राजधानी पटना में, और इसकी जो ऊंचाई है ये यहाँ से ध्यान रखें 108 फीट इसकी ऊंचाई है। एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे। इस मंदिर को आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। मंदिर के बारे में कुछ जानकारी हमने आपके साथ साझा किया है कि इस मंदिर में एक साथ 5,000 लोगों के दर्शन एवं पूजन करने की व्यवस्था होगी, यानी कि एक साथ 5,000 लोग यहां पर कर सकते हैं पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये बनेंगे कि मथुरा और गुजरात के बाद, यानी कि मथुरा और गुजरात के बाद पटना में यह देश का तीसरा मंदिर है जिसमें कि 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है। VVI इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, आप इसको रख सकते हैं। इस मंदिर के निर्माण की आधारशिला करीब 12 साल पहले रखी गई थी। अगला होगा हमारा 23वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह कि हाल ही में बिहार सरकार ने पटना में कितने मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। तो राइट आंसर होगा 15 मीटर से ऊंचे जितने भी भवन हैं सभी के विद्युत सुरक्षा ऑडिट का अभी हाल ही में आदेश बिहार सरकार के द्वारा दिया गया। अब ये क्यों दिया गया? दरअसल मई 2022 में एक घटना घटी थी। ये घटना ये थी कि विश्वेश्वरैया भवन जो कि पटना में स्थित है, यहाँ पर भीषण आग लगी थी। आग की इस घटना को आप इस इमेज के माध्यम से देखिए, भीषण आग लगी थी विश्वेश्वरैया भवन के 6वीं मंजिल पर। आप यहाँ पर देखिए, ये तमाम चीज़ें आप दृश्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो इसी को ध्यान रखते हुए बिहार सरकार ने पटना में 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी भवनों के
विद्युत सुरक्षा ऑडिट का आदेश दिया है। दरअसल पटना विद्युत सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कम से कम 7 टीमों के गठन का फैसला दिया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखें, विश्वेश्वरैया भवन की हम बात करें तो विश्वेश्वरैया भवन एक विशाल बहुमंजिला इमारत है जिसमें कि सरकारी कार्यालयों सहित कई सारे प्रमुख संस्थान या फिर प्रतिष्ठान शामिल है इसी भवन में। ये विश्वेश्वरैया भवन है जो कि बिहार के पटना में राजभवन के आसपास अवस्थित है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 24वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि किस हाईकोर्ट ने 13 मई 2022 को बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। ये गिरफ्तारी का आदेश क्यों दिया गया, कई सारे फैक्ट यहाँ से आपके बनेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिए, ये पटना हाईकोर्ट द्वारा अभी हाल ही में ये आदेश दिया गया था। दरअसल यहाँ पे मामला ये था कि जो भी सहारा इंडिया कंपनी थी तो यहाँ पर कई सारे निवेशकों का, बहुत सारे निवेशकों का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है। तो इसी मामले की सुनवाई या फिर केस जो चल रही पटना हाईकोर्ट में, इसी की सुनवाई को लेकर के सुब्रत राय को यहाँ पर उपस्थित होने को कहा गया था, लेकिन सुब्रत राय उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद से इन्हें अभी हाल ही में इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा। और ये निर्देश दिया गया पटना हाईकोर्ट के द्वारा कि बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी इनको गिरफ्तार करें। ये यहां से ध्यान रखें। सहारा इंडिया की बात करें तो सहारा इंडिया परिवार एक भारतीय समूह की कह सकते हैं कंपनी थी, या फिर भारतीय कंपनी थी जिसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ये उत्तर प्रदेश गोरख में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे ये थे सुब्रत राय, जिन्हें कि आप यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं। पहले जो क्रिकेट मैच होता था आप लोग देखते होंगे, स्पॉन्सर जो होता था, टाइटल स्पॉन्सर जो आप जर्सी पे भी देखते होंगे सहारा इंडिया लिखा हुआ होता था, वही कंपनी है सहारा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 25वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल में बिहार सरकार ने किस योजना के अंतर्गत आने वाली शिकायतों के लिए राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। तो बिहार सरकार ने कह सकते हैं मनरेगा के तहत जो भी शिकायतें आती थी उसके निपटान के लिए भी हाल ही में राज्य स्तरीय लोकपाल का गठन किया है। आपको जानकारी दे दूं कि लोकपाल न सिर्फ मनरेगा कार्यों का भौतिक निरीक्षण करेंगे बल्कि आम लोगों व मनरेगा मजदूरों की शिकायतें मनरेगा मजदूरों से शिकायतें हासिल कर सीधा जाँच कर सकेंगे। और इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने राधा किशोर झा को लोकपाल का अध्यक्ष और देवेश नाथ दीक्षित को सचिव भी नामित किया है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए, मनरेगा के तहत जो भी कार्य होते हैं उनकी निगरानी और मजदूरों की शिकायतों का समाधान के लिए जांच के लिए अभी हाल ही में ये लोकपाल का गठन किया गया। और लोकपाल के अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर राधा किशोर झा और वहीं पर सचिव के तौर पर देवेश नाथ दीक्षित को नामित किया गया है। ये तमाम चीजें नोट कीजिए, बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला कि बिहार की ऐतिहासिक नगरी गया का नाम क्या करने के लिए हाल ही में गया नगर निगम ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य और केंद्र सरकार को भेजा गया है। तो राइट आंसर होगा गया जी, गया का नाम बदलकर गया जी करने के प्रस्ताव को भी हाल ही में राज्य और केंद्र सरकार को भेजा गया है, यहाँ पर गया नगर निगम के द्वारा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में बिहार की ऐतिहासिक धर्म नगरी और मोक्ष धाम कहे जाने वाले गया का नाम बदलकर गया जी करने के लिए नगर निगम की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य और केंद्र सरकार को भेजा गया है। दरअसल यहाँ पे हम गया की बात करें तो गया में यहाँ पर प्राचीन से मतलब कह सकते हैं प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए कई सारे धार्मिक स्थल मौजूद हैं। गया जी की बात करें तो हिंदू परंपरा के आधार पर यहाँ पर पिंडदान किया जाता है जो कि आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। ऐसे में इसी के नाम पर पूरे गया का नाम गया जी करने के लिए भी हाल ही में ये कह सकते हैं प्रस्ताव भेजा गया है। गया की बात करें तो गया में बिहार का दूसरा जैव विविधता पार्क है, जबकि अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि अररिया में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क या फिर जैव विविधता पार्क है। बिहार में गया जिले की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक गर्मी और सबसे ठंडी जो पड़ती है गया जिले में ही पड़ती है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज करेंगे यहाँ पर, मुश्किल से 2 से 4% लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं अगर आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ से ध्यान रखें, बिहार में सबसे अधिक गर्मी और ठंडी जो पड़ती है ये गया जिले में ही पड़ती है। इसके पीछे एक कारण है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट कीजिए किस वजह के कारण यहाँ पर सबसे अधिक गर्मी और ठंडी पड़ती है बिहार के गया जिले में। अब यहाँ पर बात करें किशनगंज की तो बिहार में सबसे अधिक जो औसतन बारिश होती है ये बिहार के किशनगंज में होती है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 27वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि कौन सा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है, कौन सा एयरपोर्ट। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट के बारे में तमाम जानकारी हमने कई बार आपके साथ साझा किया है। विस्तृत तौर पर फिर से आपको जानकारी दे दूं तो इससे पहले यानी कि दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों के आने जाने के लिए जानकारी पहले हिंदी और इंग्लिश में दी जाती थी, लेकिन अभी हाल ही में इसकी जो शुरुआत हुई है मैथिली भाषा में भी यहाँ पर इसका अनाउंसमेंट या फिर उद्घोषणा किया जाएगा। तो ऐसा पहल करने वाला ये भारत का पहला एयरपोर्ट है दरभंगा एयरपोर्ट। दरभंगा एयरपोर्ट की स्थापना की बात करें तो ये जानकारी नोट कीजिएगा कि मोदी सरकार ने यानी कि नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश के 63 नए शहरों में नए एयरपोर्ट खोले थे जिसमें कि दरभंगा भी शामिल था। दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर
सितंबर 2020 को उड़ान सेवा की शुरुआत हुई थी। कुछ देर पहले हमने आपके साथ ये जानकारी साझा किया था। इमेज में आप दरभंगा एयरपोर्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसका विकास और भी होना है, तो यहाँ से जो संबंधित चीज़ें, यही सारे आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हमने लिख दिया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 28वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना का कार्य कितना प्रतिशत पूरा हो चुका है। तो नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर ये 99% कार्य पूरा हो चुका है बिहार में। हर घर नल का जल योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत हर घर नल जल योजना इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में की गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 29वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में खरीफ महाअभियान की शुरुआत की है। तो खरीफ कैंपेन की शुरुआत अभी हाल ही में बिहार सरकार नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 59 रथ यानी कि 59 रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। आपको जानकर दे दूं, यह रथ हर जिले में घूम घूमकर यानी कि बिहार के 38 जिलों में घूम घूमकर किसानों को जागरूक करेगा और किसानों को आधुनिक खेती कैसे की जाए इसकी जानकारी देगा। ये यहाँ पर इसी का उद्देश्य है जिसके माध्यम से यहाँ पर किसानों को जागरूक किया जाएगा। और आगे हमने ये लिखा है कि वर्तमान में बिहार की कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, ये भी नोट कर लीजिए। बिहार में जो वर्तमान कृषि मंत्री हैं यह अमरेंद्र प्रताप सिंह, जबकि हम बात करें भवन निर्माण मंत्री की तो यह अशोक चौधरी, बात करें यहां पर हम ऊर्जा मंत्री की तो बिजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री हैं, और बिहार में दो उप मुख्यमंत्री, एक हैं तारकिशोर प्रसाद, एक हैं रेणु देवी। इस तरह की चीजों को भी आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ उद्योग मंत्री की बात करें तो बिहार में उद्योग मंत्री हैं सैयद शाहनवाज हुसैन। अगला होगा यहाँ पर हमारा एक 30वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ये भी दे दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के 22वें मुख्यमंत्री हैं, जबकि लालू यादव की बात करें, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं लालू यादव, और ये बिहार के 20वें मुख्यमंत्री थे, जबकि 21वें की बात करें तो राबड़ी देवी 21वीं मुख्यमंत्री थी। अगला होगा हमारा 30वां प्रश्न। हाल ही की घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। हालांकि कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दिया था रोपवे के बारे में, आप लोग कन्फ्यूज मत कीजिएगा, रोपवे अलग है, एक्सप्रेसवे अलग है। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हाल ही के घोषणा के अनुसार कब तक बिहार का पहला एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा। तो इसका निर्माण वर्ष 2024 तक किए जाने की, कह सकते हैं एक तरह से अंदाजा लगाया गया 2024 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। बिहार का पहला एक्सप्रेसवे की बात करें तो 2024 तक बनकर तैयार होगा, जिसकी कुल लंबाई 199 किलोमीटर होगी, और ये बिहार के 7 जिले इससे जुड़ेंगे। इसमें औरंगाबाद, गया, नालंदा, पटना, जहानाबाद, वैशाली और दरभंगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे बिहार का जो ये पहला रोपवे होगा किस जिला से लेकर कहाँ तक होगा, यानी कहाँ से कहाँ तक होगा। तो ये दरभंगा से औरंगाबाद तक होगा बिहार का पहला रोपवे, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि विस्तृत तौर पर मैप के माध्यम से हमने आपको समझाया था। अगला यहाँ पर हमारा होगा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न यहाँ पर हमारा ये है कि हाल ही में मई 2022 में यानी कि 22 मई 2022 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया। बताएं कि बिहार का पहला जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में, ये ललटन टॉप प्रश्न है। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था कि ये अररिया जिले में, जबकि दूसरा की बात करें तो गया जिले में है, जबकि हम तीसरे की बात करें जो तीसरा प्रस्तावित है बिहार के सुपौल में प्रस्तावित है। वो सारी जानकारी यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 22 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में किया था। बिहार में जैव विविधता पार्क की बात करें तो पहला अररिया, दूसरा गया और तीसरा जो प्रस्तावित है ये सुपौल में प्रस्तावित है। सुपौल में इसका निर्माण किया जाना है। अगला होगा हमारा 32वां प्रश्न कि किस राज्य की ई विधान प्रणाली को हाल ही में बिहार में लागू किया जाएगा। ऐसी घोषणा भी हाल में बिहार सरकार द्वारा किया गया। तो हिमाचल प्रदेश की ई विधान प्रणाली को अभी हाल ही में बिहार में लागू करने की घोषणा की गई थी। आपको जानकर दे दूं कि हिमाचल प्रदेश में ई विधान प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी ये 4 अगस्त 2014 को की गई थी। इसी पहल को बिहार सरकार ने अपनाने की घोषणा अभी हाल ही में की है। यहाँ पे विधानसभा की बात आई है तो विधानसभा के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर्स की श्रेणी वाले भी हैं इसमें शामिल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट यहाँ पे हमने ऐड किया है, दोनों महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की जो कुल सीटों की जो संख्या ये 243 है, जिनमें की 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए आरक्षित है। ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें जबकि अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए 2 सीटें आरक्षित यहां पे है 243 सीटों में से। अभी हाल ही में 8 मार्च 2022 को एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बना था। दरअसल 8 मार्च 2022 को जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस के मौके पर बिहार विधानसभा के विधायक ज्योति देवी को विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी दी गई थी। 8 मई 2022 को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बेहतर प्रयास को ध्यान रखते हुए भी ये किया गया था। और वहीं पे बात करें वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर की, तो श्री विजय कुमार बिहार में वर्तमान में बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। ये भी यहाँ से जानकारी, श्री विजय कुमार। अगला होगा हमारा 33वां प्रश्न। ये प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि किस पुरुष टीम ने हाल ही में सहरसा में आयोजित बिहार राज्य गोल्ड कप बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में 4थी बार विजेता बनी है।
तो राइट आंसर होगा नवगछिया की टीम यहां पर कह सकते हैं चौथी बार इस प्रतियोगिता में विजेता बने। हालांकि ये प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहां पर टीम का नाम ध्यान रखिए कि नवगछिया की टीम ने बिहार राज्य गोल्ड कप को चौथी बार अपने नाम किया है, तो ध्यान रखना आपको नवगछिया। अगला होगा हमारा यहाँ पर 34वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में सीतामढ़ी बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा या फिर इसने विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो राइट आंसर होगा अमित देव। आप यहाँ पर अमित देव को इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकर दे दूं कि इससे पहले यानी कि इसके पूर्व भी उन्हें विशिष्ट सेवा पदक व अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल यहाँ पे हम बात करें अमित देव की, तो 28 फरवरी 2022 को वे अपने पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है अमित देव इनका नाम है जिन्हें भी हाल ही में ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला होगा हमारा 35वां प्रश्न कि बिहार में शराबबंदी कानून को सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कितने रुपये की स्वीकृति दी है, तो राइट आंसर होगा 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी हाल ही में बिहार सरकार द्वारा दिया गया है। यहाँ पर इसके तहत कुछ चीज़ें और भी है जो कि आपको याद रखना है। दरअसल आपको बता दूँ कि हाल ही में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली है, जो भी हाल ही में लेदर और टेक्सटाइल पॉलिसी को मंजूरी दिया गया। इसी क्रम में यहाँ पर कह सकते हैं मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को भी बिहार कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दिया गया। और इस नए कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार बिहार में शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 2000 से 5000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, और वहीं पर जुर्माना नहीं देने पर 1 महीने की जेल हो सकती है। वहीं पर दूसरी ओर हम देखें तो दूसरी बार शराब पीते अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में 1 साल कैद की सजा सुनाई जा सकती है। एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे कि बिहार में शराबबंदी कानून कब से लागू हुआ था, ये डेट यहाँ से याद रखिए 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। ये लागू किया गया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा। अगला होगा हमारा यहाँ पर 36वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए कितने रुपये जारी किए गए हैं, तो नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के सर्वांगीण विकास के लिए बिहार में जो राशि जारी की गई 6,56,00,000, इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि 26 मई 2022 को बिहार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 18 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसके तहत नीतीश कैबिनेट ने नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 6,56,00,000 रुपये जारी किए हैं। आपको ध्यान रखना है इसका जो निर्माण हो रहा है ये नालंदा जिले में हो रहा है, तो 6,56,00,000 रुपये जारी किया गया है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 37वां प्रश्न। ये प्रश्न कि कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, कौन सा राज्य ई भंडारण को क्रियान्वित करने वाला भारत का पहला राज्य बना, तो राइट आंसर होगा बिहार राज्य। आपको जानकर दे दूं कि हाल ही में 26 मई 2022 को उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकेश्वर प्रसाद व श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने संयुक्त रूप से अधिवेशन भवन पटना में बिहार राज्य भंडार निगम द्वारा शुरू की गई ई भंडारण प्रणाली की शुभारंभ किया है, फिर इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर यह ध्यान रखना ये इस तरह का पहल करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है जहां पर कह सकते हैं ई भंडारण को क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक प्रश्न यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि इसके अतिरिक्त एथनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार जो ये भी भारत का पहला राज्य है, एथनॉल नीति सबसे पहले बिहार राज्य ने ही अपनाया है, ये ध्यान रखें। अगला का यहाँ पर हमारा 38वां प्रश्न। ये 38वां प्रश्न है कि इस राज्य सरकार ने हाल ही में हर पंचायतों में मरीजों के स्वास्थ्य जांच को लेकर पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय लिया है, तो सभी पंचायतों में पैथोलॉजी जांच केंद्र खोलने का निर्णय भी हाल ही में बिहार सरकार ने लिया है। हालांकि यहां से आपको ध्यान रखना है कि ये सुविधाएं पहले प्रखंड स्तर पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराए जाएंगे और इसके बाद पंचायत स्तर पर। आई होप कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीखने को मिला। और जो लोग यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं दोनों कोर्स के तहत हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन वीडियो को कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे बीपीएससी मेकर ऐप उपलब्ध है, वहाँ से जाइए इसे डाउनलोड कर लीजिए।